केंद्र सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2020-21 को लेकर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करने के दौरान बताया कि जम्मू कश्मीर के लिए पहली बार 1,14,28 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो जम्मू कश्मीर को विकास का मॉडल बनाने के लिए प्रतिबद्धता का एक सूचक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य में 11% की GSDP वृद्धि हासिल होगी, जिससे वो सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला केंद्र शासित राज्य बन जाएगा। इस बजट में पाक अधिकृत कश्मीर और पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास का भी प्रस्ताव दिया गया है।